नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण और मैं हूं आपके साथ शिल्पा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ईश्वर सबके सभी काम सिद्ध करे, इसी कामना के साथ करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। तो आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह का आपके जीवन पर किस तरह का और क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कुछ कनेक्शन है आपके जीवन के कार्यों से इस ग्रह का, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भृगु संस्थान के अध्यक्ष और विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिल्पा जी। और इस वक्त हमारे जो दर्शक हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण को देख रहे हैं, तो सबसे पहले उनको जय श्री कृष्णा। और हम अपने शुरुआत करेंगे, क्योंकि भविष्य दर्पण का यानी भविष्य का वो आईना जो हमारे तीनों कालों को, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों को प्रदर्शित करता है। तो हम इसकी शुरुआत करें, इससे पहले कहा गया विघ्न ध्वंसा पच्छेद कत्तुम इति मंगलत्तुम, कि कोई भी जब शुभ कार्य किया जाता है तो सर्वप्रथम वंदना करते हैं। तो आइए इस मंगल वंदना को सुनते हैं। और कहते हैं इस मंगल वंदना की ये वो वंदना है जो देवताओं ने स्वयं स्तुतियां की हैं, और इसके सुनने मात्र से हमारे सारे दिन के जो कार्यों की बाधा है वह दूर होती। कहते प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, आप 5 दिन इस स्तुति को सुनिए और आपको लगेगा कि हाँ, जीवन में इन स्तुतियों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो आइए सुनते हैं मंगल वंदना। नीलांबुजगश्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितबाम भागम पाणौ महासा यकचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आज का दिन आपको और आपके परिवार को शुभ और मंगलमय हो। बिल्कुल, आपका दिन आज के लिए, आपके परिवार के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आप जो भी कार्य सोचकर आपके घरों से आप बाहर निकले, अपने दफ्तर जाए, कार्यस्थल पर जाए, वहां पर वो जरूर सिद्ध हो, इसी कामना के साथ हम उम्मीद करते हैं। पंडित जी, हम आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे खास तौर पर शुक्र ग्रह के बारे में। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का ग्रह होता है ये, क्या प्रभाव लोगों के जीवन पर डालता है ये, और लोगों को क्या कुछ ध्यान में रखकर चलना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, इस बारे में बताएं। सर, प्रथम मैं कहना चाहूंगा कि जो शुक्र ग्रह है, इस ग्रह का जो प्रभाव है हमारे इस भौतिक जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जी, सबसे पहले कहूंगा कि शुक्र ग्रह राक्षसों के गुरु भी हैं। जैसे एक 9 ग्रहों के अंदर में बृहस्पति ग्रह का प्रभाव होता है, चूंकि वो देवताओं के गुरु हैं, ऐसे ही शुक्र ग्रह भी सेकंड पोजीशन पर आता है, क्योंकि व्यक्ति अच्छा सोच रखता है, उस सोच को साकार कौन कराता है, शुक्र ग्रह। व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है तो वो है शुक्र ग्रह। व्यक्ति जीवन में उन्नति और तरक्की करता है तो उसका कारक ग्रह है शुक्र। जी, अच्छी सेहत रहे इसका कारक भी ग्रह शुक्र ग्रह। संतान की उत्पत्ति कारक ग्रह है तो शुक्र, यानी शुक्र ग्रह का नाना प्रकार का जो अहम योग है हमारे इस भौतिक जीवन में बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल। और पंडित जी, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बताएं क्या है आपका प्रश्न, अपनी जन्मतिथि बताएं और सवाल पूछें। हेलो जी। हेलो पंडित जी, राम राम जी। आयुष्मान भवा। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। आपका शुभ नाम और कहाँ से बात कर रही है? जी मैं सीमा हूँ और गाजीपुर से बोल रही हूँ। जी सीमा जी, जी बताएं। जी मेरी बेटी का जन्म 13 मार्च 2004 को हुआ है, सुबह 6:50 से। और
जन्म का स्थान कहाँ का है? गाजीपुर दिल्ली। ओके जी जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं सीमा जी? पंडित जी, मेरी जो बेटी है पढ़ाई में बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर इतना अच्छा ट्यूशन और अच्छे स्कूल में डालने के बावजूद भी उसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं। जी जी जी, सीमा जी लाइन पर रहिए। सीमा जी, पहले भी शायद आप कभी जुड़ी हैं क्या फोन पे? जी नहीं जी, मैं तो इसने अभी पहली बार फोन किया है आपके पास। ओके ओके जी, आपके देखें तो शुक्रवार का दिन पड़ रहा है और देखें तो मकर लगन तुला राशि है, शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि बच्ची के शिक्षा में पहले बहुत अच्छी शिक्षा थी, बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा वीकनेस आ रही और जितनी मेहनत या परिश्रम कर रही है वो लाभ नहीं मिल पा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह बताना चाहूंगा कि केतु चंद्रमा की युति हो रही है, इसको कहते हैं ग्रहण दोष, जो विद्या विवाह कह रही है तीनों में भटकाव लाता है। सेकंड नंबर पे अगर देखें हैं तो चतुर्थ में राहु मंगल की युति हो रही, बच्ची का जो स्वभाव है कहीं ना गुस्सा और तनाव और चिड़चिड़ा भरा रहने लगा है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है जी। जी, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि इसमें कोई चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ उपायों को आप करें। सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि बच्ची के सिर से एक नारियल 7 बार उतार करके बहती नदी या पीपल के वृक्ष में रखें शनिवार या मंगलवार। सेकेंड नंबर पर 7 कंकड़, रोड से 7 कंकड़ उठाएं और उनको बच्ची के सिर से 7 बार उतार करके और किसी चौराहे पर बुधवार और रविवार को ये आप फेंक दें। इसके बाद देखें, कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि टोटके, इनका भी हमारे इस भौतिक जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है और साथ में इसको चाहिए कि आप केसर डाल करके बृहस्पतिवार के दिन दूध पिलाएं। यदि ये 3 उपाय करते हैं तो बच्ची के जीवन की दिन और दिशा दोनों बदल जाएगी। विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर में आप देखेंगे कि परिवर्तन आ जाएगा। परंतु एक चीज मैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बनाता, ज्योतिष सिर्फ एक मार्गदर्शन करता। आप सोचेंगे कि हमने गुरुजी से बात कर लिया तो हमारा सब कुछ हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ भगवान ने कहा कर्मण्योऽधिकारास्ते माम फलेषु कदाचन, कि जो आप कर्म करेंगे उसका फल मिलता है। हमने सिर्फ रास्ता बताया है, अगर किसी मंजिल को प्राप्त करना होता है तो मार्ग पर स्वयं चलना होता है, बिगर मार्ग पर चले मंजिल किसी को हासिल नहीं होती। ज्योतिष सिर्फ एक आपके जीवन में मार्गदर्शन करती है, आपको रास्ता बताती है, परंतु रास्ते पर आपको स्वयं चलना होता है। जी, तो इस तरह से उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इन उपायों को करते हुए आगे बढ़े और इस तरह से अपनी समस्या का आप समाधान पा सके। तो दर्शकों, अगर आपके भी जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है, वो समस्या चाहे शादी से जुड़ी हुई हो, परिवार से जुड़ी हो, नौकरी हो या फिर घर में कोई कलेश चल रहा हो, किसी भी तरह की समस्या से अगर आप घिरे हुए हैं तो अब आप निराश मत होइए, क्योंकि हमारे साथ पंडित पुरुषोत्तम शास्त्री जी मौजूद है। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल करके पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस तरह से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। जी बताएं, अपना सवाल पूछें, लेकिन उससे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का स्थान बताएं। हेलो गुरुजी, प्रणाम। जी आयुष्मान बाबा, आपका शुभ नाम। जी मेरा नाम अर्चना सिंह है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1988। जी, टाइम 8:20 सुबह के। जन्म स्थान वाराणसी। जी 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 गुरु जी, मुझे एक पूछना था, मेरी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है और बेबी कब तक, मतलब कब तक संतान का योग है? देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपका वृष लगन धनु राशि बन रही, मंगल में मंगल चल रहा और सप्तम में का स्वामी जो है वो मंगल बन रहा है, जिसके कारण आपके पति का स्वभाव कहीं ना कहीं काफी क्रोधी होगा और आपसी में मतभेद बहुत ज्यादा रहेंगे। कहीं ना कहीं देखें तो परिवार को लेकर के ही ये ज्यादा आप एक दूसरे के ऊपर मतभेद चल रहे हैं और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा स्पष्ट तौर पर कि
अभी ही समय है, अगर आप लोग सीरियस ले लेंगे नहीं तो एक दूसरे से अलगाव तक का योग बन सकता है आने वाले समय में। तो यदि अभी सीरियस होकर के कुछ उपाय वगैरह करती हैं, और एक चीज और मैं यहाँ पर कहूंगा कि जिस तरह से आपका ये प्रश्न है, ये व्यक्तिगत प्रश्न होता है, और इस पर लाइव में एक सार्वजनिक तौर पर कोई भी चीज बताना या आप सुनने के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि व्यक्तिगत क्वेश्चन आप व्यक्तिगत तौर पर ही करें तो ज्यादा बेटर होता है। तो मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूं, अगर आप विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत तौर पर अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकती हैं, और यहां पर समय का भी कहीं ना कहीं अभाव होता है। बिल्कुल, इस तरह से उम्मीद है अर्चना जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या आपको घेरे हुए है तो आप जो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पे कॉल करके पंडित पुरुषोत्तम शास्त्री जी से सीधा संपर्क साध सकते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताकर उसका समाधान पा सकते हैं। तो पंडित जी, फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। जी बताएं, क्या है आपका नाम, आपकी जन्म की तिथि और जन्म का स्थान? लगता है संपर्क हमारा हमारे कॉलर से टूट गया है। तो पंडित जी, आज हम बात कर रहे थे शुक्र ग्रह के बारे में, आपसे अब जानना चाहेंगे शुक्र ग्रह कैसा होता है, किस तरह का उसका प्रभाव पड़ता है, आपने बताया, लेकिन अगर वो अच्छा हो या फिर वो विपरीत स्थिति में हो जी, तो किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं ये बताएं। देखिए, अगर हमारा शुक्र अच्छा होता है तो हमारा सबसे पहले चाहे लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो, ये जीवन में बहुत अच्छी व्यतीत होती है जी। हमारा व्यापार बहुत अच्छी तरह से चलता है और हमारे जीवन में एक बहुत सुखों का जो कहना चाहिए कमी अभाव वो जीवन में नहीं होता है। जी, कहा भी जाता है शुक्र ग्रह थोड़ा चंचल सा होता है, तो ये कितना सत्य है? ये बिल्कुल शत प्रतिशत कहीं ना कहीं ये सत्य है। जीवन में जो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति की तमन्नाएं होती हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और यदि अगर हमारा शुक्र अच्छा है तो बढ़ नहीं जाती। कहते प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, को कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो सुख प्राप्त हो जाते हैं जब शुक्र अच्छा होता। यदि शुक्र हमारा 12 डिग्री से ऊपर है तो इसमें आपको राज्य सुख अच्छा प्राप्त होता है, भूमि वाहन का सुख प्राप्त होता है, देश विदेश की आपकी यात्राएं अच्छी होती हैं, और मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहती है, संतान का सुख भी आपको सही समय पर प्राप्त हो जाता है, और इवन इष्ट मित्रों का सुख भी वही प्रदान कराता है। यानी कि अगर ये अच्छी स्थिति में है तो ये सारे लाभ आपको मिल पाएंगे। पंडित जी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। जी बताएं, क्या है आपका नाम, आपकी जन्म की तिथि और जन्म का स्थान, और सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार, मैं सुनील भंडारी बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? इस टाइम तो सर मैं पालनपुर से बात कर रहा हूँ। पालनपुर सिटी, पालनपुर हिमाचल? नहीं नहीं पालनपुर उत्तर गुजरात। ओके ओके, जी जी गुजरात से। ओके जी, जन्म की तारीख बताएं। 1989। सर एक तो आप अपनी टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर ले तो बात करें, नहीं तो देखिए इतना समय का अभाव होता है, हजारों की संख्या में हमारे दर्शक लाइन पर होते हैं, तो हमारा एक एक सेकंड बहुत बेशकीमती होता है, और उसका सदुपयोग करना आपका भी धर्म है और हमारा भी धर्म है। जी, जी, जी। तो मेरा घर वैसे तो बिहार है। हाँ, समस्तीपुर जिला। जन्म तारीख बताएं। 1-1-1989। हाँ, और समय? समय तो सर रात का 9:30 बजे के करीब। जी जी, जन्म का स्थान? बिहार। जी, क्या प्रश्न है, क्या जानना चाह रहे हैं? हमारी वाइफ के बीच जो है कि थोड़ा ताना तनी चलता रहता है। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज में स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि अगर देखें गुरु में केतु चल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो कुंडली कह रही है, क्योंकि कन्या राशि होती है, कन्या राशि वाले जातकों का ये नेचर और स्वभाव होता है कि पूरी बात को प्रॉपर तरीके से सुनते नहीं है, और बिगर सुने आप किसी को रिप्लाई करेंगे तो उसका प्रभाव जो है वो नेगेटिव आएगा। तो
तो इसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी वाइफ की पूरी बात को पहले सुना करें, उसके बाद में आप रिप्लाई करें। और आप पूरी बात सुनते नहीं, बगैर सुने ही रिप्लाई करना शुरू कर देते, ऐसी बात है क्या? जो मैं पूछ पा रहा हूं कि आप पूरी बात को सुनते नहीं हैं और आवेश में आ जाते हैं, गुस्सा जल्दी हो जाते हैं। हाँ जी जी। तो इसको थोड़ा सा आपको सुधारने की आवश्यकता है। और एक चीज और मैं कहूंगा कि आपकी पत्नी आपके लिए बहुत भाग्यवान है। जब से आपकी मैरिज हुई है, कहीं ना कहीं आपके जीवन दिन दिशा बहुत बगड़े बने हुए हैं। और यदि आप उनसे मतभेद रखेंगे, कहा जहां सुमति तहां संपद राना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, अगर आपसी पारिवारिक तालमेल नहीं रखेंगे, गुस्सा क्रोध तनाव रखेंगे, तो लक्ष्मी धीरे धीरे आपका साथ छोड़ने लगती है। और जहां पर लक्ष्मी साथ छोड़ देती है, तो वहां पर निर्धनता, गरीबी, क्रोध, तनाव, ये तमाम बातें आने लगती हैं। और इवन शायद आप अपनी पत्नी से दूर भी रहते हैं क्या? जी जी। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, और उनको मान करके मना करके चलेंगे तो आपके जीवन में उन्नति अच्छी होगी। यदि उनसे मतभेद रखेंगे तो आपके जीवन में हम क्या, कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ भी बता देगा, लाभ नहीं होगा। और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 100 बार डेली जाप करें तो आपके जीवन में बहुत उन्नति और तरक्की हो जाएगी। जी बिल्कुल। और पंडित जी, शास्त्रों में भी पत्नी को, यानी कि आपकी अर्धांगिनी को जी, लक्ष्मी जी का स्थान दिया गया है। ऐसे अगर आप उनका सम्मान करेंगे तो लक्ष्मी जी खुद बखुद प्रसन्न हो जाएंगी। बिल्कुल। और कहा गया है यत नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देखिए, हमारे विवाह होता है, आप देखते हैं विवाह के समय में कितना बड़ा दर्जा दिया जाता है एक वर और लक्ष्मी का। तो वहां पर आप 7 फेरे लेते हैं, तो तमाम बातें आपको ये बताई जाती है। इसीलिए बताई जाती है कि यदि उनका हम पालन करते हैं तो जीवन में हमारे कभी भी किसी भी तरह का अभाव नहीं होता, चाहे धन का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे ऐसर का हो, चाहे पारिवारिक हो। तो हम उन चीज को फॉलो नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। और वो कहा भी जाता है कि दाम्पत्य जीवन एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसके दोनों पहिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि एक पहिए में से एक भी अगर पंचर हो गया तो समझ लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में तमाम परेशानियां, तमाम कष्ट सामने आ जाएंगे। ऐसे में पति को पत्नी के साथ और पत्नी को पति के साथ एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, अपने दाम्पत्य जीवन को इस तरह से सुखमय तरीके से व्यतीत करने के लिए खुद से प्रयास करने होंगे। तो लगातार हम आज बात कर रहे हैं इस खास कार्यक्रम में शुक्र ग्रह को लेकर। जी जी। चंचल होता है काफी, अगर अच्छी स्थिति में हो तो अच्छा लाभ भी मिलता है, लेकिन अगर पंडित जी वो विपरीत स्थिति में हो तो क्या किया जाए? देखिए, अगर हमारे कुंडली के अंदर में शुक्र नीच का होकर के बैठा हुआ है या अस्त होकर के बैठा हुआ है, यानी कमजोर डिग्री का होकर के बैठा हुआ है, तो सर्वप्रथम हम उच्च शिक्षा लेकर के भी हम कैरियर में जितनी हमें तरक्की करनी चाहिए वहां पर कहीं ना कहीं अभाव दे देता है। हम उच्च कोटि का व्यापार कर लेते हैं मगर हमारा व्यापार जी नहीं चलता जी। हमारी जीवन की जो सोच है, हम बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, वह सोच साकार नहीं हो पाती। यानी कि इतना असर होता है शुक्र ग्रह का बहुत बड़ा प्रभाव। ऐसे में उपाय क्या होगा वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी बताएं क्या है आपका सवाल, लेकिन सवाल से पहले अपने जन्म की तिथि और जन्म का स्थान स्पष्ट तरीके से बताएं, और आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर ले ताकि स्पष्ट तरीके से पंडित जी आपकी बात को, आपके सवाल को सुन सके। बताएं। मेरी जन्मतिथि है 14 फरवरी 1995 और जन्म समय है 9:30 रात की। और जन्म स्थान? प्रयागराज। अभी कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं प्रयागराज से बात कर रही हूँ। जी मेरा सवाल ये है कि मैं अपने करियर में कभी मतलब सफल होंगी, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? सरकारी नौकरी जानना चाहती है। देखिए, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि 14 फरवरी 1985 गुरुवार का दिन पड़ रहा है और 1995। ओके जी।
देखिए बेटा, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आपकी कुंडली का जो योग है ये बहुत अच्छा है, और इसके लिए आपको सिर्फ आपको ऐसा आपकी कुंडली का ये योग बताता है कि आप मेहनत परिश्रम कम कर पाती हैं और सिर्फ सोचती बस है कि मैंने बताया ना कि किसी मंजिल को हासिल करना होता है तो मार्ग पर स्वयं चलना होता है, बिगर चले हुए मंजिल प्राप्त नहीं होती, सोचने से मंजिल प्राप्त नहीं होती है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि आप सिर्फ सोचती हैं, और हमारी जब सोच साकार करना होता है तो कहते मनसा वाचा कर्मणा, हमारे मन में भी वही, कर्म में भी वही और वचन में भी वही, जब तीनों चीजें होती हैं, तीनों चीजों का संगम होता है, मिश्रण होता है, तो हमें मंजिल खुद में खुद प्राप्त हो जाती है। शिक्षा देखें तो आपने शिक्षा तो पूर्ण कर ली, मगर शिक्षा बीच बीच में व्यवधानात्मक रही है। अब भी जिस क्षेत्र में आप मेहनत परिश्रम कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कठिनाइयां बहुत आ रही हैं। मेरी बात को क्या सुन पा रही हैं आप सृष्टि जी? जी 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 मैं सुन रही हूँ। हाँ, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप का जो मंगल है वो अस्त होकर के बैठा हुआ है, थोड़ा मंगल से रिलेटेड, आप मंगलवार के दिन गरीबों को 1.25 किलो जलेबी लेकर के और उन गरीबों को 5 मंगलवार आप बांटें, और गुस्सा क्रोध को थोड़ा सा कम करें, और साथ में रविवार के दिन रोली डाल करके सूर्य को अर्घ दें तो बहुत शीघ्र आपकी जॉब लग जाएगी। जी उम्मीद है जो उपाय पंडित जी ने बताया आप वो करेंगी, और इस तरह से करियर में आपको जो बाधाएं पेश आ रही हैं वो अवश्य दूर होंगी। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई है, उनका रुख करते हैं। जी बताइए क्या है आपका सवाल। क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी सुन पा रहा हूँ जी। सवाल बताएं, और सवाल से पहले अपने जन्म की तिथि और जन्म का स्थान स्पष्ट तरीके से बताएं। पंडित जी मेरा जन्म का जो तिथि है वो 1/7/1988 है जी, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी नौकरी नहीं लगी अभी। और जन्म का समय क्या है? समय शाम को 5 बजे है पंडित जी। जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान दिल्ली का ये पंडित जी। जी जी सर, देखिए यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आपकी वृश्चिक लगन मकर राशि राहु में शुक्र चल रहा है, अभी आपका विवाह नहीं हुआ क्या? जी पंडित जी विवाह नहीं हुआ क्या? अभी नहीं हुआ पंडित जी। और यहाँ पर मैं कहूंगा कि आपका भाग्य का उदय है वो आफ्टर मैरिज है, यानी विवाह के पश्चात, तो अभी जो जीवन आपका चल रहा है ये ऐसे ही चलेगा, विवाह के पश्चात जीवन में उन्नति और तरक्की करेंगे, यानी पत्नी के द्वारा भाग्य का उदय होना। अभी आपका सिंगल भाग है, और जिस दिन आपका डबल भाग कार्य करने लगेगा वहीं से आपके जीवन की दिन और दिशा बदल जाएगी। तो पंडित जी कब तक? जी विवाह कब तक हो जाएगा पंडित जी? विवाह का पूर्ण रूप से योग चल रहा है, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और बहुत शीघ्र विवाह हो जाएगा, और पत्नी बहुत सुंदर और एक संस्कारी आपको प्राप्त होगी। नौकरी वाली मिल सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, जॉब पूर्ण रूप से योग बनते हैं, जॉब वाली ही धर्म पत्नी का योग बनता है। इसके लिए आप एक काम करें कि गुरुवार के दिन थोड़ी सी हल्दी डाल करके जल ले लें, और केले के वृक्ष में आप अर्घ दिया करें, ऐसा 11 बार आप करिए, और साथ में बेसन का लड्डू भगवान को भोग लगा करके बृहस्पतिवार के दिन ग्रहण करें। अगर ये दो छोटे छोटे उपाय करते हैं तो बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जी, इस तरह से इन उपायों को कीजिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर लीजिए। तो पंडित जी बढ़ते आगे, और हम बात करेंगे जिस तरह से शुक्र ग्रह की बात करें तो देखिए कितनी दिलचस्प सी बात है। आज जितने भी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादातर पति पत्नी दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए वो अपने सवाल पूछ रहे हैं जिसका सीधा कनेक्शन शुक्र ग्रह से होता है। जी, ऐसे में आपसे चाहेंगे कि अगर शुक्र ग्रह विपरीत स्थिति में हो तो जल्दी से, क्योंकि समय की थोड़ा स्वभाव है, उपाय बता दीजिए ताकि दर्शक उसको कर सके और उन बाधाओं को दूर। देखिए अगर शुक्र आपका नीच का है, जीवन में कोई भी सुख सुविधा से आप वंचित रहते हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि हमारी कुंडली के अंदर में हमारा शुक्र ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसकी जन्म तारीख है भी जिसकी जन्म तारीख नहीं है, दोनों लोग ये समझ लें कि हमारी कुंडली में हमारा जो शुक्र है वह विपरीत में है, यानी जीवन में हम जो चाह रहे हैं उसको प्राप्त ना कर पाना ये सबसे बड़ा मेन कारण है। इसके लिए आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन सफेद बतख होती है
उस बतकों को आप चावल को बॉईल कर लें और बॉईल किए हुए चावल थोड़े से उसमें बॉईल करके उड़द मिक्स करें, उसको कहते हैं चावल और उड़द की खिचड़ी बना करके, और सफेद बतक होती हैं उनको आप डालें, उनको डालें तो आपका जो शुक्र है वह मजबूत हो जाएगा जी। और शुक्र मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है दाम्पत्य जीवन की जो गाड़ी है वो फटाफट दौड़ने लगेगी। चलिए बात करेंगे पंडित जी चमत्कारी अंक की, जल्दी से बता दीजिए चमत्कारी अंक। चमत्कारी अंक जो है आज का है 12, और आज के दिन आपको चाहिए कि किसी लोटे में जल भरें, उसमें गुलाब का पुष्प रखें और एक दिन तक आप अपने पूजा स्थान में रखें, और साथ में तिल के तेल का दीपक जलाएं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का, तो आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों में परिवर्तन आ सकता है। इस तरह से आज का ये विशेष उपाय और आज का चमत्कारी अंक पंडित जी ने आपको बता दिया है। उम्मीद है इस चमत्कारी अंक को एक पेपर पर लिख कर अपनी आप पॉकेट में रखेंगे, और कंडीशन यही है किसी को बताना नहीं है वरना सफलता मिल नहीं पाएगी। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे तमाम दर्शकों के सवालों का आपने जवाब दिया, उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए उन्हें उपाय बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शिल्पा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस तरह से हमारे दर्शकों के दिल और दिमाग में जो क्वेश्चन थे उस तरह के प्रश्न किए, इसके लिए उन दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, और शायद हमें उम्मीद है कि उनके जीवन की दिन दिशा दोनों में परिवर्तन आएगा और किए हुए उपाय बताए हुए उपायों को करते हैं तो बहुत लाभ होगा। जय श्री कृष्ण। चलिए तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में भविष्य दर्पण में फिलहाल के लिए बस इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर सुबह ठीक 8:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.